लेकिन ब्रांस क्या उत्तराखंड का पुष्प है? क्या था उत्तराखंड का पुष्प? ब्रह्म कमल। सुप्रभात दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आप देख सकते हैं अभी बढ़िया धूप खिल रखी है, मैं तो सो के अभी उठ रहा हूँ। 9 बजने वाले हैं और हमारी दादी जी खेत जाने के लिए तैयार हो गई और माता जी लगी है वहाँ पर अपने काम पे। हाँ, हमारी दादी जी बोले किसान आदमी है तो किसान जो 9 बजे उठ रहा है। तो दोस्तों अभी बच चुके हैं 10:30 और मैं जा रहा हूँ खेत दाल लेने के लिए। लास्ट दाल बची है जो हमारे खेत में बुलाएंगे आज। और हमारी माता जी सुबह चली गई है नाश्ता बना बनो के खेत दाल निकालने के लिए, और मैंने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि इससे पहले मैं गौशाला गया था। चले दे हो। हमारे चाची जी पूछ रहे कि दादी चल चले गई बाजार, तो हमारी दादी मार्केट जा रखी है आज मार्केट। तो दोस्तों हमारी माता जी नीचे क्या करते था पुआर तो आया था तो वाके कने ना ले ओके। हाँ बैठे हो तन पोग रहा होगा। तो दोस्तों दाल लेके आ गया मैं, ऊपर से दाल है नीचे से गाय भैंसों के लिए घास। दाल यहाँ पर रख देंगे और घास गौशाले पहुँचानी है। हालत देख सकते हो मेरे पसीने से भाई साहब, इतना भारी हो रहा था। एक तो भूख से भी है क्या, भूख से पेट में चूहे कूद रहे थे, बहुत खतरनाक भूख भी लग गई। पहले गौशाले जाएंगे इस घास को लेके जो नीचे साइड को है, फिर नाश्ता करेंगे फिर नाश्ता। दोस्तों अभी 11:30 बज चुके हैं और अभी कर रहा हूँ मैं नाश्ता क्योंकि टाइम ही नहीं मिला सुबह से। पहले मैं गौशाला गया, फिर खेत गया, उसके बाद खेत से घास वापस लेके आया, फिर गौशाला गया, फिर अभी नाश्ता कर रहा हूँ। और नाश्ते में वही करेला, मीठा करेला, चाय और रोटी। दोस्तों अभी बज चुके हैं 1:30 और हमने 2 लगा रखे हैं, एक वहाँ पर डंप, एक यहाँ पर। 100 पूरा 100 ले जाना है और 100 उसको करने, चाहे कितने भी देर में चाय, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं करना है। और ये मेरा तीसरा चक्कर है, तीसरा पूरा ले गया मैं आ गया। देखो थोड़े से वहाँ पर बचा है क्या, रित्ते जोड़ दिया है ना, ना करा कर मेरा सामने। तू नहीं बोला ना, बैठा था हम दिया हम 11 बजे आदमी जोड़े क्यों यार रोड नहीं खाना हम। 3 घंटे लगे रोड खान, 3 घंटे लगे हमें नहीं खाते बजे को हमें दिया। जब हमें गोठ में यथा 11:17 होने चाहिए होगा दिया हम। ओके दामो फरों जो मैं क्या पता का फरों जो खुद फरों था नहीं रास फोटे तो नहीं तेरी बोली कि बाबी आप आने लगे ले आया दिया हम फराय में हो जा देखो अब गोठ लिखा ये बात क्यों मैं क्या बढ़िया भाव लगा सी हाथे बेकू बोला तो गोठ फराय में हो गोठ एक और भैंसा दिया लो काटे जोड़ो उन भैंसा ही जो खाई चिरो नो नो आज तू घाटी का आ पाई जो तो मणि मणि जो हमें उन्हें खायल जो नो आगे ले दियो लो लो फटा पलो सब लोगों ना भाई है उसको की जो ना दे यार। तो दोस्तों कुछ देर पहले मेरी और मेरी माता के बीच कंट्रोवर्सी हो गई थी किसी बात पे। मैं घर आ गया था वैसे, ठीक है, मैंने कहा चलो छोड़ ला देते हैं,
क्योंकि वैसे भी मेरा लास्ट दिन है घर में, कल तो मैं देहरादून चले जाऊंगा, फिर एक हफ्ते बाद आऊंगा सीधे। वैसे भी मेरा लास्ट दिन है और मेरे को पता था कि मेरी माँ की बस की तो है नहीं लाने की नोटा, इसलिए मैंने कहा ला देता हूँ मैं और आनी दी स्कूल से जल्दी आ गई, पता नहीं क्यों डेली डेली भाग के आ जाती है स्कूल से। छुट्टी हुई तो मैं स्कूल आया, सब आ गया, गुन्नू तो नहीं आई, दीपू भी नहीं आया, यानी बॉल भेज के आया बॉल में तो छुट्टी की इतनी जल्दी हुई तो मैं छुट्टी। इसके चावल फेट जा रहा है, अभी ये भात बनाएगी इसके बाद चावल। ये डेली डेली दो दिन आ गए भाग के, एक दिन का परसों एक आँच, या तो छुट्टी मांग के आएगी या भाग के आए होगी ना, छुट्टी मांगे क्योंकि इसके साथ वाला अभी कोई नहीं आया घर है भाई, छुट्टी मांग गया। तो दोस्तों सिमू की स्कूल से आते ही उसने भात खाया और उसके बाद उसकी ड्यूटी लग गई हरी मिर्च खाने की। यहाँ पर से ये पूरा हरा मिर्च खेत है, ये पूरे हरी मिर्च है इधर भी इधर भी। अब यहाँ से सिमू ने हरी मिर्च छाननी है, उस पॉलीथीन में भरनी है। नहीं सिमू छाननी है ना, पाके नहीं छाप पके हुए ना हाँ हरे हरे। और दोस्तों मेरे को कूटना है ये वाली दाल है, क्या इतनी दाल आ रही है, मैं बोला आज खाता हूँ लेकिन डेली आते जा रही है। खेत में थोड़ा थोड़ा बचे है हमारी दालें, जो लास्ट में हुई जो कच्ची रह गई थी अब हो रही हो, आज कूटेंगे हाँ सारा ख़त्म करना है। और हमारी दादी सफाई कर रही है दाल को, सो भी है दोस्तों ये कूट दिया है और हमने उसका जो मोटा मोटा वाला है वहाँ पर रख दिया है। और निधि ने मेरे को चाय भी दे दी है, हमारी माता जी को नहीं दी वो बोले मैंने अभी चावल खाए चावल। और इसको लगाएंगे हम इसके बाद जो यहाँ पर रखा है हमने, यहाँ पर इसको लगाएंगे हम अभी भुगतान जेब। और हमारे चाची को देखो उधर मुँह भी नहीं धो गए इन्होंने भात खाने के बाद चावल लगे हुए, जूठा चावल लगे इनके मुंह पे तो दोस्तों इस बार की लौकियां ये है हमारी, ये खाली बहन के लिए मैं है क्या, वो लेके आया, मेहनत बर्बाद कर दी मैंने अपनी 12 फीट की लौकी है। हमारी चाची जी बोली है वहाँ पर से कि 12 फीट की लौकी है, बोला ये देखो ये। और भैया के इनके लिए क्या मस्त लकड़ियाँ ला रखी थी मैंने ताकि उनकी बेल बढ़िया ऊपर जा सके लेकिन क्या अच्छा पर्यावरण नष्ट कर गए। और संतरे भी नहीं आ रखे इस बार हमारे पेड़ में, पता नहीं संतरे को भी क्या हो गया, ये कम कम संतरे आ रखे हैं कौन का पेड़ हो? यू नहीं तो का पेड़ हो? का फल का पेड़? अब ब्रांस उत्तराखंड का पुष्प। ब्रांस उत्तराखंड का पुष्प है? क्या था उत्तराखंड का पुष्प? ब्रह्म कमल। ब्रांस है तो चाह? तो दोस्तों हमने यहाँ पर मोहित सिंह को लगा दिया है करेले टीपने पे। और इसको देखो ये डंडा लेके खड़ा हो रहा है, चले भाई लग जावे इसके अरे यार ये फॉर्म में जाना रोहित जमा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर नोटा भी लगा दिया भुगतान जी भी, उसके बाहर से पूरा ढक दिया नोटे से। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 8:30 और अभी हमारा खाना खाने का टाइम हो चुका है, खाने में है सब्जी रोटी और चाय। तो दोस्तों ये कपड़े हैं जो मेरे को देहरादून ले जाना है कल, बैग में डालूंगा अब इनको। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 10 और मेरे को जल्दी सोना है क्योंकि मेरे को कल सुबह निकलना है 8:30-9 बजे तक देहरादून। परसों मेरा वहाँ पेपर है UKPSC ड्राफ्टमैन सिविल का, तो कल सुबह निकल जाऊँगा 8:30-9 बजे तक। अभी जल्दी सो जाता हूँ और इसके बाद थोड़ा ब्लॉग एडिटिंग करूँगा पहले,
तो दोस्तों आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं यहीं पर। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Yeah, but it comes to home. That is it.